भगवान के मंगल में सम्मिलित होने से जीवन में हमेशा मंगल होता है, इसलिए भगवान के मंगल में जरूर शामिल होना चाहिए। भगवान श्री राम का दर्शन किया, सीता मैया को बुलाया गया धनुष का पूजन करने के लिए, और जब सीता मैया आई तो सब राजा सोच रहे हैं ये तो हमारा ही वरण करेंगी, हम ही धनुष को तोड़ देंगे। उधर में राम जी को पुष्प वाटिका में सीता मैया ऑलरेडी देख चुकी है, दर्शन कर चुकी है, और जब दर्शन कर चुकी है तभी से मन में इच्छा है कि यही मिलने चाहिए हमें। सीता जी क्या मांग रही हैं? राम धनुष का पूजन करते करते जानते हो, सिया मांगे गाऊं कि नहीं, देखो डिमांड कैसी है। सिया मांगे अबध को रा सरयू नहाने को। पहली डिमांड क्या है? पहली डिमांड दशरथ जैसो ससुरा मांगे। आजकल जब बहू ढूंढ लड़का देखने जाए और किसी को पता चल जाए कि घर में सास ससुर नहीं है तो लड़की स्वतः ही खुश हो जाती, बोले चलो फंद कटो, हमारा तो है गो राम राज्य, या हमारे सास ससुर को यही नहीं। जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, जितनों के भी बेटियां हैं, वो ध्यान से सुन लो, तुम्हारी बेटी के अगर सास नहीं हुई तो तेरी घर तेरी बेटी के घर को चलने में तकलीफ होगी, और अगर तेरे घर में सास होगी तेरी बेटी के में तो तेरे बेटी के घर को चलाने में मददगार होगी, वो बता देगी कि घर कैसे चलना है। सीता माँ से सीखो, क्या मांग रही है? दशरथ जैसो ससुरा मांगे, सिया मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने। लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे, सिया मांगे राम भरतार सरयू। राम जैसा पति हो, लेकिन उससे पहले सास कैसी हो, ससुर कैसा हो, और फिर देवर कैसा। सीता माँ ने पूजन किया, उसके बाद जनक जी ने कहा जाओ धनुष को तोड़ो राजाओ, और राजा गए, बहुत से राजा गए, कोशिश की पर किसी के पल्ले कुछ उठाना तो दूर की बात है, तोड़ना तो दूर की बात है, कोई धनुष को हिला ही नहीं सका। तब जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी कहते हैं देश देश के राजाओं, मैंने तो यह समझा था कि पृथ्वी पर योद्धा बहुत है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पौरुष खत्म हो चुका है। मैंने प्रण किया था कि जो वीर धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बेटी उसे ब्याह दूंगा, तुमसे धनुष नहीं टूटा, तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं रही कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, और जिस बाप की जवान बेटी कुंवारी रहे उस बाप पर क्या बीतती है क्या तुमको नहीं पता। सीता माँ को देखा और सीता माँ को देखकर जनक रो पड़े और कहने लगे बेटी आ तेरा और अपना दोनों का दुख मिटाता हूं, अगर धनुष नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, लेकर गोद में हे पुत्री डूबने समुद्र में जाता हूं, तेरा भी दुख समाप्त हो जाएगा और मेरा भी दुख समाप्त हो जाएगा। जनक जी की ये दशा देखकर सब लोग दुखी हो गए, हाय हाय ये क्या हो गया, और फिर क्रोध में आकर जनक जी ने कह दिया हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, मुझको अब ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली, वीर महीन भाई मैं जानी, मुझे ऐसा लगता है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। सब शांत बैठे, सर नीचे करके बैठे, राम जी तो प्रभु गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, पर वहां पर एक शक्ति बैठी है जो शांत नहीं बैठी है, वो देख रहे हैं राम जी की तरफ, प्रभु बोले गुरु जी बोले कोई तो बोले कोई तो बोले, अरे इनमें से कोई बोल दे तो मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बड़ों के आगे बोलना ठीक नहीं। अब राम जी की तरफ भी लक्ष्मण देख रहे हैं, प्रभु कुछ कह क्यों नहीं रहे।
और जब कुछ नहीं कहा तो कूद पड़े उस वीरों की भूमि पर, यज्ञ भूमि पर, उस धनुष यज्ञ के महाप्रांगण में अकेले लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं और प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोलते हैं। बोलूं कि छोड़ दूं? सुनना फिर ढंग से। हो रघुवंशी न जहां कोई हो, जिस सभा में रघुवंशी वीर, तो क्या रघुवंशी वीरों का एक भी बच्चा बैठा हो, उस सभा में ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता जैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग जनक आप कर रहे हो। अभी प्रभु श्री राम बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं, आपने कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली, कैसे कह सकते हो खाली? अभी हम बैठे हैं यहां पर, आप कहते हो धनुष किसी से नहीं उठा, ये क्या है धनुष? काचे घट जिम डारो पोरी, सको मेर मूरख जिम तोरी, तू प्रताप महिमा भगवाना, का बापरो पिनाक पुराना। सैकड़ों योजन तक इसे फुटबॉल की तरह लेके दौड़ सकता हूं, एक गेंद की तरह। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। भगवान की महिमा के आगे सड़ा गड़ा धनुष किस गिनती में? जनक जो तुमने कहे बैन, वो दिल को चीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे ये जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं इसका? रहे ये जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं इसका? अगर गम है तभी तो सामने रघुवीर बैठे हैं, अभी चल जाती यहां तलवारें, न होते सामने रघुवर, पूछो यहां पर कितने वीर बैठे। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, तोरों छत्रक दंड जिम तू प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत, पुन न धरो धनुहात, पुन न धरो धनुहात, नाथ याई दिश रोपूं, उलट दऊं ब्रह्मांड यदि मैं छिन में कोपूं, ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोरो चरण कमल उर धरो नाथ, पल में धन तोड़ो चरण कमल उर धरो नाथ, पल में धन तोड़ो। अगर ऐसा न करूं तो आपके चरणों की सौगंध आज के बाद धनुष धारण नहीं करूंगा और योद्धा नहीं कहूंगा। लक्ष्मण ने धनुष फेंक दिया। अब मुझ में अभी थोड़ा सा आ गए थे लक्ष्मण जी, अब थोड़ा तो आई जाएंगे, कथा तो कर ही रहे हैं उनकी। राम जी ने कहा ऐसा, क्रोध आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। क्या इशारा कर दिया? अब मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं रघुपति सही नहीं, रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने आंखों आंखों में समझाया। क्या समझाया? लक्ष्मण से पूछा, सुनो शादी करनी है क्या? बोले प्रभु शादी करनी है क्या? बोले हाँ। बोले चुपचाप बैठ जाके। क्यों? बोले लड़की वाला दो ही चीज देखता है, लड़का सुंदर और दूसरा सुशील। देख मैं तो धनुष तोड़ दूंगा, मेरी तो पक्की है, तू अपनी सोच। सुंदर है कोई डाउट नहीं है, पर सुशील में लग रहा है थोड़ा सा, ज्यादा उधर उधर करोगे तो ससुर, कहीं भी इधर उधर कुछ भी करो ससुराल में और देवी जी के आगे शांत बने रहो। और शादी का जैसे ही नाम सुना लक्ष्मण जी चुप आके बैठ गए। शादी विषय ऐसा है, अच्छे अच्छे को चुप कर देता है महाराज। फिर तो भगवान श्री राम को गुरुदेव आज्ञा देते हैं, जाओ राम अब अधिक विलंब मत करो और जाकर धनुष को तोड़ो। और धनुष तोड़ने के लिए गुरु जी को प्रणाम करते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य करो गुरुदेव के चरणों में नमन करो और नमन करके आगे बढ़ जाओ, फिर कोई भी संसार का कार्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। और सब
व्रत कर रहे हैं, सब संकल्प कर रहे, सीता मैया भी संकल्प कर रही है अगर मेरे प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे तो मैं 14 वर्ष तक वन में वनवासियों का भेष बना कर रहूंगी, ऐसा भाव सीता मैया धारण करती हैं। और उसके बाद में गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, राम ने मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे एक मस्त मत वाला हाथी कमल की डंडी को अपनी सूंड में ले लेता है और बिना किसी कष्ट के उसे तोड़ देता है, वैसे ही भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया और आकाश से धुंधमी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी और आप ही जय जयकार करते रहेंगे, कुल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान श्री राम और जानकी हमारे मध्य पधार रहे, उनका दर्शन करेंगे। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पतित पावन तेरो पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग सभी अपने दोनों हाथ जोड़े बैठे रहें और पहले सीता मैया श्री राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण करेंगी और फिर श्री राघवेंद्र सरकार सीता मैया को माल्यार्पण करेंगे और आप अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर जोरदार ताली बजाकर प्रभु के इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। सब लोग जोरदार ताली बजाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरत्नज मंगलम पुंडरीकाक्ष रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए सीताराम जी भगवान की जय। अभी हम लोग सब श्री राम जी के विवाह में नृत्य करेंगे। क्या करेंगे? आज दुनिया की शादियों में खूब नाचे हो, अभी राम जी के विवाह में भी नाच लो, नाचने से सारे पाप कटेंगे भगवान के। यहाँ पर ससुराल ऐसी जगह जहाँ अच्छे अच्छे को गाली पड़ती है और ससुराल में ही जाके सही पता चलता है कि भैया प्रेम किसे कहते हैं, राम जी हो या शिव जी, सबको गाली पड़ी ससुराल में। पड़ी कि नहीं सुनाए? क्या सुनाए? पक्का? हो राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बहुआ लोग वादेत काहे गारी, बता दे बहुआ लोग वादेत काहे गारी, बता दे बहुआ। ओ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बहुआ लोग वादेत काहे गारी, बता दे बहुआ लोग वादेत काहे गारी, बता दे बहुआ।
पूछल ओ धनुषधारी तोहरा से पूछल ओ धनुषधारी तोहरा से पूछल ओ धनुषधारी तोहरा से पूछल ओ धनुषधारी एक भाई गोर का है 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 एक काहे कारी बता दे बबुआ लोगवा देत काहे कारी बता दे बबुआ लोगवा देत काहे कारी बता दे बबुआ। प्रथम बार श्री प्रिया कांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, आओ चले श्री प्रिया कांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111221। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराष्ट्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।